हेलो, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे झारखंड के भूगोल का 9th पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का पठार। झारखंड के पठार में हम लोग देखेंगे कि हमारे पूरे झारखंड में किस पार्ट में किस तरह का भूमि स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे ढाल भूमि क्षेत्र है, वो हम लोग आज इसमें पूरा देखेंगे, ताकि हमको एक बेसिक आइडिया मिले कि झारखंड का भौतिक स्वरूप कैसा है। इस वीडियो को देखने का कारण क्या है, ये वीडियो हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? अगर आप देखिए, अगर आपका झारखंड का भौतिक स्वरूप पता रहेगा, वो दिखता कैसा है, तो अगर पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे पर्वत है, तो यहाँ से अगर कोई नदी गुजर रही है तो यहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण करेगी। जब तक हम लोग को इसका भौतिक स्वरूप पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे पठार है, कहाँ पे पहाड़ है, तो हमको इससे पता नहीं चलेगा कि नदी किधर से किधर मूव कर रहा है। तो अगर आप झारखंड से रिलेटेड जेएसएससी, जेपी सचिवालय या फिर झारखंड पुलिस या डिफेंस कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, इसमें सारा का सारा कुछ मैप में बताया जाएगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने एक तरीका वाइज से एक सिलसिलेवार ढंग से बताया है कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें, ताकि हम लोग को पूरा भूगोल जो है कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़े, सब आराम से हम लोग को याद हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पठार, मैदान और पर्वत में अंतर, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे सब कुछ और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। जो भी चैप्टर का अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपका उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दो, चाहे आप बना देगा उसमें, चाहे आप मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कुछ भी लो, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। उसके बाद देखेंगे झारखंड का विभाजन। झारखंड का विभाजन मतलब कि इस वाले एरिया में कैसा है उसका भौतिक स्वरूप है, ये वाला एरिया कैसा है, ये वाला एरिया कैसा है, ये वाला एरिया कैसा है, हर एक जहाँ जहाँ जगह चेंज है वहां पे हम लोग देखेंगे इसको। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पठार, मैदान और पर्वत में क्या अंतर है। पठार धरातल का वैसा स्वरूप, जमीन का वैसा स्वरूप जो धरातल से पर्याप्त ऊंचा उठा हो और ऊपर का भाग चौड़ा हो, उसको पठार कहते हैं। क्या बोल दिए, ये देखिए, अगर आप इस फोटो में देखें तो ये हमारा धरातल का भूमि है, ये जमीन है यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, और ये जो है ये जमीन से उठा हुआ है ऐसे करके, और ऊपर का पार्ट देखिए ये सपाट है, ठीक है, तो इसको हम लोग पठार बोलेंगे। ऐसा वाले ये अगर कुछ भी रहेगा तो हमको इसको पठार बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मैदान। मैदान तो आप लोग सब फेमिलियर है, जो समतल भूभाग है उसको हम मैदान बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको उबड़ खाबड़ या पहाड़ पर्वत नहीं देखे, ये पूरा का पूरा मैदानी एरिया है, ये मैदान है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्वत। पर्वत में क्या होता है, ऊंची ऊंची चोटियां होती है और बाकी हर तरह से ढलान होती है। जैसे हिमालय पर्वत का फोटो देखिए, तो इसमें चोटियां यहाँ पे यार इधर से हर जगह तीखी ढलान है। अगर आप पठार में देखोगे तो यहाँ पर आपको चोटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पठार और पर्वत में अंतर आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हमारा झारखंड भी एक पठारी इलाका है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि हर एक पठार किस किस तरह का बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं झारखंड के भौतिक विभाजन में। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। झारखंड का जो पठार है वो त्रिधरातलीय है। त्रिधरातलीय का मतलब क्या होता है, धरातल मतलब जमीन, त्रि मतलब थ्री स्टेप्स है, मतलब अगर एक स्टेप ये पठार वाला है, अगर ऐसा है हम लोग का एक पठार, तो एक फिर छोटा नीचे होगा और एक फिर अलग अलग, मतलब धरातल जो है अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। तो जो त्रिधरातलीय है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पाट का पठार, रांची और हजारीबाग का पठार, और मानभूम और सिंहभूम का क्षेत्र। जैसे अगर हम मैप में देखें तो पाट का पठार मतलब हो गया हमारा पश्चिमी पठार, इसको पश्चिमी पठार भी बोलते हैं, पश्चिमी पठार बोलते हैं। इसमें से ये जो ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला ये पाट का क्षेत्र है, ठीक है। रांची हजारीबाग का पठार, ये देखिए ब्लू कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये रांची और हजारीबाग का पठार है। इसमें जो हरा कलर से है ये हमारा दामोदर नदी, जो इन लोग दोनों को अलग करता है। मानभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कोल्हान के ऊपर में, कोल्हान के जस्ट ऊपर में ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती है, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के साइड में। तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि पाट क्षेत्र में कितनी ऊंचाई है और कहाँ से कितनी नदियां निकल रही हैं, कहाँ जलप्रपात बना रहा है। एक हम लोग को बेसिक आइडिया जब पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि नदी कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे फॉल कितना बन रहा है और क्यों बन रहा है, हमको पूरा आइडिया यहाँ पता पता चले। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पाट क्षेत्र से पहले शुरू करेंगे, पहला पढ़ेंगे, दूसरा रांची का पठार पढ़ेंगे, फिर तीसरा हजारीबाग पढ़ेंगे और बाकी सब उसके बाद बाकी पढ़ेंगे। तो झारखंड का पाट क्षेत्र या पाट पठार, तो इसको पाट क्षेत्र या पाट पठार बोलते हैं, इसे पश्चिमी पठार भी बोलते हैं क्योंकि झारखंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो
तो ये झारखंड के पठार का पश्चिमी भाग है, जो कि पठार का सबसे ऊंचा भाग है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1000 मीटर के बीच है। जैसे अगर आप मैप में देखो, झारखंड का ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पे ये पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र मतलब बताएं ये पठारी इलाका है। जैसे ये अगर जमीन का भाग है तो इससे कुछ उठा हुआ यहाँ पे है, ठीक है। तो ऊपर का ऐसे ऐसा पट को पाट क्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर का भाग है समतल है यहाँ पे, और इसका औसत ऊंचाई जो समुद्र तल से है 900 से 1000 मीटर पर है। मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर तो है, पाट तो है ऊपर में, लेकिन जमीन से ये जो ऊपर है पठार जो ऊंटो ऊपर है, ये लगभग 1000 मीटर के ऊपर तक है। यहाँ से पाट क्षेत्र शुरू है। तो ये पूरे झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। एक एक्सेप्शन है सिर्फ पारसनाथ पहाड़ी, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अगर पारसनाथ पहाड़ी को हम लोग छोड़ दिया जाए, उसके बाद में से सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भूभाग हमारे झारखंड का यही वाला एरिया है। इसमें कौन कौन से एरिया आ जा रहा है? इसमें लोहरदगा, लातेहार। तो ये देखिए हमारे लातेहार है यहाँ पे, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पलामू का कुछ भाग यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये हमारा पाट क्षेत्र हो गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि झारखंड का हर एक जिला को कैसे याद करना है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाकर उन्हें देखें, तभी इस वीडियो को देखें, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर ये यहाँ पे पार्ट है तो आप खुद बताइए, जैसे यहाँ इतना बड़ा एरिया यहाँ पे, तब एक ही पार्ट तो नहीं होगा। जैसे एक एक पार्ट ये हो गया, फिर यहाँ पे कुछ दूर होगा एक पार्ट यहाँ पे और होगा, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पार्ट है। तो इसमें से तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है नेतरहाट पार्ट, गणेशपुर पार्ट और जमीरा पार्ट। लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो आप मैप के सहायता सब कुछ पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए ये नीचे, ये तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा हुआ है, और यहाँ पर ये वाला समतल अगर होता तो ये पार्ट क्षेत्र हो जाता हमारा। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारा वहां पे पार्ट दिया हुआ है, जैसे गणेशपुर, नेतरहाट पार्ट वगैरह। और ये जो देखिए ये जमीनी हिस्सा यहाँ पर नीचे का है, तो ये जो है जमीन से नहीं, ये समुद्र तल, अगर ये समुद्र तल होता तो ये 1000 मीटर तक ये ऊंचा पाया जाता है, ठीक है। तो जो नेतरहाट पार्ट है 1180 मीटर की ऊंचाई पर है, फिर गणेशपुर पर 1171 मीटर पर है। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पार्ट है, और जिसका एवरेज ऊंचाई है 900 से 1000 के बीच में आता है। तो आई होप आपको पार्ट क्षेत्र समझ में आया होगा। अब आप खुद बताइए, अगर ये पार्ट क्षेत्र है तो अगर यहाँ से कोई नदी निकलेगी, तो ऐसे करके गिरेगी इधर से, तो यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण होगा, यहाँ से भी जलप्रपात का निर्माण होगा। इसलिए झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, इंपॉर्टेंट पहाड़ियां, पहाड़ियां मतलब छोटे छोटे पहाड़। तो यहाँ पे दो पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, सानू पहाड़ी और सारू पहाड़ी। इस पठार से कुछ नदियां इंपॉर्टेंट है, जो नदियां यहाँ से गुजरती हैं। इसमें से है एक उत्तरी कोयल, शंख। उत्तरी कोयल अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए यहाँ से उत्तरी कोयल है, ये नॉर्थ कोयल है, तो ये हमारा पार्ट रीजन में पड़ रहा है। और यहाँ पे एक और नदी है शंख नदी। शंख नदी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये हमारे जो ये शंख नदी है यहाँ पे, ये भी पार्ट क्षेत्र से गुजर रहा है। तो यहाँ पे दो नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तरी कोयल, शंख नदी। हालांकि ये नदी के बारे में चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको मैं जब नदी पढ़ाऊं तो उसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये नदी शंख नदी वहां पर था, पार्ट क्षेत्र में था, तो वहां पे ऐसे वाटरफॉल निकल रहा है। अब आते हैं हम लोग रांची का पठार में। पार्ट क्षेत्र खत्म हो गया, अब रांची और हजारीबाग का पठार में सबसे पहले हम रांची पठार कवर करेंगे, फिर हजारीबाग का पठार कवर करेंगे। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा भाग है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, कुछ वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है, कुछ छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ऐसे करके छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। लेकिन ये जो पूरा छोटा नागपुर का पठार पूरे इधर फैला हुआ है एक स्टेट में, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हमारा रांची का पठार है। तो ये देख पा रहे होंगे ये ब्लू कलर से लाइन जो बाउंड्री है, ये हमारा रांची का पठार है, और ये जो ब्लू कलर वाला है ये हजारीबाग का पठार है। और इसमें से ये जो दामोदर नदी है ये दोनों को अलग करती है। पहले ये पठार एक ही था, बाद में क्या हुआ, दामोदर नदी के कारण इसे दो भागों में बट गया ये पठार। इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 700 मीटर है। जैसे वहां जो पठार था, जैसे मान लीजिए ये पठार था, ये हजार हजार मीटर था पार्ट वाला, ठीक है, उसके नीचे ये थोड़ा रहेगा, मान लीजिए 700 मीटर रहेगा। तो यहाँ पर पठार इस तरह से कुछ है, थोड़ा छोटा है। तो एक धरातल वहां पे हो गया, और एक धरातल का बात यहाँ पे कर रहे हैं 700 मीटर का। तो अभी दो धरातल का बात हो गया, तीसरा धरातल हम लोग बात करेंगे मैदानी क्षेत्र के बारे में। और इस खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है
दक्षिण पूर्व की तरफ कम होती जाती है। मतलब अगर ये मेरा पठार है तो ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आते जाते हैं, तो इधर से ऊंचाई से कम होता जाता है। तो अगर आप खुद बताइए, अगर यहाँ से कोई नदी निकले तो इसी तरफ बहेगी, उल्टा तो नहीं बह सकता नदी। तो उसी कारण से यहाँ से जो स्वर्णरेखा नदी वगैरह है ये सब इस दिशा में ही बहती है। तो इससे हम लोग को एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि अगर यहाँ से नदी निकल रही तो सारा नदी इधर ही क्यों आके गिर रहा है। दामोदर नदी हजारीबाग के पठार से अलग करती है इसे, और ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर ये एक नदी है, ये नदी है और इधर भी एक पठार है और इधर भी पठार है, दोनों साइड में पठार है। दो पठारों के बीच से अगर कोई नदी गुजरती है तो उसे हम लोग बोलते हैं वो भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर के अलावा नर्मदा नदी है, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। आप इसे याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रांची के पठार में बहुत सारी नदियां निकलती है जो खड़ी ढाल वाले जल प्रपातों का निर्माण करती है। आप खुद बताइए, अगर कोई पठार ऐसे करके है, फॉर एग्जाम्पल टेबल के आकार का है, ठीक है, या फिर यहाँ के आके ऐसे ऐसे आ गया है, और यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो यहाँ पे ऐसे सीधे गिरेगी, तो ये ढाल कैसा होगा? इसका खड़ा ढाल वाला हो गया। रांची के कुछ जो पठारी भाग, ये चौड़ा वाला पठार, ये चतुर्भुजाकार है, इसमें अगर कोई नदियां निकलती है तो ये मैक्सिमम जगह पे खड़ी ढाल जल प्रपातों का निर्माण करती है यहाँ पे। तो जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है? फेरुआ घाट जल प्रपात, हुंडरू फॉल, दशम फॉल और सदनी जल प्रपात। यहाँ से बहुत सारे जल प्रपात है, लेकिन ये सब जल प्रपात, ये सब वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं वाटरफॉल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा दशम फॉल जो है किस नदी पर है, हुंडरू फॉल किस नदी पर जल प्रपात बनाती है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी एक ओवरव्यू लेना है कि यहाँ पे पठार ऐसा है इसलिए यहाँ पे जल प्रपात का निर्माण हो रहा है। अब आते हैं हजारीबाग का पठार पर। हजारीबाग का पठार को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग के पठार को बोलते हैं हजारीबाग पठार, और जो निचला हजारीबाग पठार को कोडरमा का पठार ही बोलते हैं। अगर आप मैप में देखें तो ये हमारा पूरा हजारीबाग का पठार है। इसमें से ऊपरी हजारीबाग पठार जो है हजारीबाग के एरिया को कवर करता है मेनली। तो ये हमारा हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार, और निचला हजारीबाग पठार में यहां से ऐसे कवर करता है जो कि गिरिडीह होते हुए इधर वाला एरिया है जो है वो निचला हजारीबाग का पठार है, जिसमें कोडरमा गिरिडीह वगैरह सब आते हैं। पारसनाथ हमारे गिरिडीह में है, तो पारसनाथ निचला हजारीबाग पठार में आता है। ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितना है? ये 600 मीटर है यहाँ का, और निचला हजारीबाग का पठार का ऊंचाई कितना है? 450 मीटर है। तो जो हजारीबाग का पठार है रांची के पठार से थोड़ा कम ऊंचाई पर है। अब आते हैं पारसनाथ की पहाड़ी पे। मैंने बताया कि झारखंड सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? पारसनाथ पहाड़ है, जो कि 1365 मीटर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दिया जाए तो हमको अगर कोई पूछेगा सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पे मिलता है, तो हम बोलेंगे पाट क्षेत्र में मिलता है, पाट क्षेत्र में पाया जाता है। एक मैंने पुराने वीडियो में जब पलामू परमंडल पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि दूसरा इंपॉर्टेंट पहाड़ कौन है। अभी तक मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आया, मैं उसका अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं एक हिंट दिया हूँ कि दूसरा पहाड़ वहां पे पाया जाएगा, तो दूसरा ऊंचाई का पहाड़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये देखिए पारसनाथ पहाड़ी का फोटो लिया गया है। अगर समुद्र से इसकी ऊंचाई आप नापो तो यहां से पता चलेगा ये 1365 मीटर ऊंचा है। तो इसमें बहुत सारे शिखर है, जैसे यहाँ एक शिखर है, यहाँ एक शिखर है, यहाँ एक शिखर है। तो इसमें जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको सम्मेत शिखर बोला जाता है। तो पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है, हजारीबाग के निचले पठार में पाया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, यह विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि टोटल जो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, उसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पारसनाथ, उसको विनिर्माण की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। इसलिए ये पारसनाथ की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब हम लोग पहाड़ क्षेत्र देख लिए, हजारीबाग और रांची का पठार देख लिए, अब हम लोग आते हैं राजमहल की पहाड़ियों में, जहां पे पहाड़िया विद्रोह भी हुआ था। तो अगर आप इस तरह से आप पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी कि पहाड़िया विद्रोह वहीं पे क्यों हुआ था, क्योंकि वहीं पे डिफेंस के लिए छुपने के लिए जगह थे। तो इसका विस्तार कहाँ है? दुमका, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ के दक्षिणी भाग पे इसका विस्तार है। अगर आप मैप में देखो तो देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज का जो दक्षिणी भाग है, इसे राजमहल की पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। ये 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर यहाँ पूरा अगर कोई नापा जाए तो ये 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये कम नहीं, ये बहुत ही ज्यादा है। इस भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है।
यहाँ जो पहाड़ियां, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर तक है। अब आते हैं चाईबासा का मैदान। हमारे झारखंड में कुछ मैदानी क्षेत्र भी है जो कि पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग का बीच का भाग जो है मैदानी क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर आप मैप में देखो तो ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम है, तो पश्चिमी सिंहभूम के जो पूर्वी भाग का जो मध्य भाग है वो मैदानी क्षेत्र है। तो ये हरा वाला जो पार्ट आपको देख रहे हैं ये मैदानी एरिया है। ये किससे किससे घिरा हुआ आप देखिए, ये दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, पश्चिम में पोराहाट की पहाड़ी, उत्तर में दालमा रेंज है, मैंने पिछले पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और ये पूरब में ढालभूम का क्षेत्र। ये चारों तरफ से घिरा हुआ ये हमारा मैदानी भाग। इसकी जो औसत ऊंचाई है 150 मीटर है। तो अगर आप अभी तक कंपेयर करो तो ये पहाड़ क्षेत्र में जो उसका ऊंचाई था ये 1000 मीटर है। जो झारखंड का रांची का है वो 700 मीटर का औसत ऊंचाई है। हजारीबाग का है वो 600 मीटर है, और इधर 450 मीटर है। राजमहल की पहाड़ियां 300 मीटर पर है, और ये मैदानी क्षेत्र 150 मीटर पर है। अगर इसको हम लोग समरी के माध्यम से अगर याद करना चाहे तो कैसे याद करेंगे, ये देखिए। अगर मान लिए हमारा झारखंड पूरा फैला हुआ है ऐसे करके, ठीक है, फ्लैट बनाया हुआ है, तो अगर हमको इसमें पठारी भाग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये जो हमारा लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाला भाग है, ये पहाड़ क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी होगा, अगर ये मेरा मान लीजिए अगर सी लेवल है, ये सी लेवल है, तो यहाँ से पठारी भाग कैसे होगा? तो ये अगर मान लेते, ये अगर 1000 मीटर का हाइट का है ये, तो जो रांची का पठार होगा वो 700 मीटर का होगा ऐसे करके। ये द्वि धरातलीय वाला बात हो गया यहाँ से, ये 700 मीटर, जिसमें हजारीबाग और रांची का पठार, हजारीबाग का पठार भी इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। तो एक धरातल ये हो गया, एक धरातल ये हो गया, और एक धरातल को आप मैदानी क्षेत्र को बोल सकते हैं, एक धरातल वाला है। तो आप खुद बताइए, अगर यहाँ से कोई नदी निकलेगी ये पूरब की तरफ ही बहेगी, यहाँ से भी कोई नदी ये पूरब की तरफ ही बहेगी, इसलिए यहाँ से जो रांची पठार जितनी भी नदियां निकलती हैं सबकी पूर्व की तरफ ही बहती हैं। और राजमहल की पहाड़ियां में जो नदियां हैं वो उत्तर की तरफ बहती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहाड़ियां उस साइड में झुकी हुई हैं, तो जो जितनी सब पहाड़ियां हैं उनका ढाल उधर में है, तो यहाँ से जितनी भी सब नदियां निकलती हैं ये उस साइड में जाके गिरती हैं। तो मैं जब नदियां बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नदियों को किस तरह से बांटा गया है, उत्तर बहने वाली नदियां, फिर पूरब बहने वाली नदियां, को इस तरह से बांटा गया है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छा से समझे होंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हुआ होगा झारखंड का पठारी भाग कैसा है, वहां पे किस तरह के पठार पाए जाते हैं, और एक बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे जलप्रपात बनेगा, नदियां किधर बहेंगी। तो इस चैप्टर को पढ़ने का यही एक कारण था ताकि हमको नदियां और जलप्रपात पढ़ने में मदद मिले, और ताकि हम लोग को और झारखंड का इतिहास पढ़ने में, जैसे पहाड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था हमको याद रहेगा, पहाड़ियां तो राजमहल में पाए जाते हैं, तो वहां से पहाड़ी विद्रोह स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे करके अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत ईजी लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा मेहनत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बारे में बताएं कि एक फ्री चैनल है जहाँ पे ज्योग्राफी फ्री में बताया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। इस नोट्स का PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं पड़े, आप उसे सिर्फ डाउनलोड कीजिए, आप उसे मोबाइल में रख सकते हैं, आप उसे प्रिंट आउट करा लें, ताकि आपका कम से कम टाइम में आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।